seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सौरभ राय और आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स। आज की तारीख है 24 फरवरी 2022, सुबह के हो रहे हैं 9:30। और ये वीडियो मैं उन लोग के लिए बनाना चाहता हूँ जो एज अ सेकेंडरी एप्लीकेंट यहाँ पे आते हैं। तो जो मेन एप्लीकेंट है वो PR पे आ रहा हो या स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा हो, वो तो जाहिर सी बात है अपना यहाँ पे आप जो मेन काम है वो करेंगे। जो मेन एप्लीकेंट है वो यहाँ पे आके जॉब ढूंढेगा, बट जो सेकेंडरी एप्लीकेंट होता है, जो पार्टनर्स होते हैं, वो यहाँ पे क्या करें क्योंकि उनकी डिग्री यहाँ पे रिकग्नाइज होती नहीं है। और यहाँ पे आके अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करना है कोई शॉपिंग मार्केट में, तो वो बहुत लो पेइंग जॉब्स होती हैं और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी नहीं होता, जॉब सेटिस्फैक्शन। बट कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं जिससे यहाँ पे आपको जॉब, अच्छी जॉब मिल सकती है, और उसी के बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो चालू करते हैं। और तो इस लिस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स है, जो सबसे इन डिमांड कोर्स है, वो होते हैं IT कोर्सेज। तो कोर्सेज लाइक डाटा एनालिटिक्स, सर्विस डिज़ाइन, साइबर सिक्योरिटी, वेब डिज़ाइन, इस टाइप के कोर्सेज हैं। इन लोग के प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 18% बाय द ईयर 2025, और ऑन एन एवरेज ये 6 वीक के कोर्स होते हैं। और ये करने के बाद आपको IT इंडस्ट्री में एक स्टार्टिंग जॉब मिल सकती है, जो कंपेयर टू मिनिमम इनकम ज़्यादा ही पे करेगी। और ये ऑल्सो एक गेटवे है आपकी हायर स्टडीज़ के लिए। तो अगर बाद में आपको यूनिवर्सिटी में यही सेम कोर्स का डिग्री कोर्स करना है, तो ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, जो 6 हफ्ते के कोर्सेज हैं, वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करेगी। तो नंबर 1 इज IT कोर्सेज। द पास्ट इज वेयर इट स्टेज, वे बैक अ ईयर अगो, आई हैव चेंज्ड फॉर द बेटर। और उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं ब्यूटी थेरेपी कोर्सेज। तो इसमें इंक्लूड होता है आपका एक्चुअल ब्यूटी थेरेपी, हेयर ड्रेसिंग, मेकअप, आईलैशेस और मसाज कोर्सेज। तो इनके प्रोजेक्टेड ग्रोथ है अराउंड 7.5% बाय 2025। तो ये अगेन सर्टिफिकेट कोर्स है, और ये कोर्स करने के बाद आपको एज अप्रेंटिस काम करना पड़ता है कोई एक ब्यूटी सलोन में। और एक बार आपने अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। और अगर आपका फ्यूचर में प्लान है कोई छोटा सा बिजनेस चालू करने का, तो ये परफेक्ट कोर्स है टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस इन फ्यूचर। I thought I would never be fine. Okay, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे HR कोर्सेज। तो ये कोर्स होते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 31 वीक्स टू ए ईयर लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, डिपेंड्स आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। एक साल में डिप्लोमा मिलता है। ये इसकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो है 15% बाय ईयर 2025। तो ये सब छोटे मोटे कोर्स करने के बाद आपको एज अ रिक्रूटर, जो बेसिकली HR डिपार्टमेंट में जो सबसे बॉटम मोस्ट होता है, जिसको सारा प्रोसेस करना है, पेपर वर्क, मेडिकल्स बुक करने हैं, नेशनल पुलिस क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना है, ये सब टाइप के जॉब्स आराम से मिल सकती हैं। तो नंबर 3 इज HR कोर्सेज। ड्राइव जस्ट टू से आई एम ऑलराइट, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम आई एम ओके। और नंबर 4, लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, ये है हेल्थ कोर्सेज। तो बहुत बहुत डिमांड है इन कोर्सेज की यहाँ पे पर्थ नहीं तो जनरली ऑस्ट्रेलिया में। और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 15.9% बाय द ईयर 2025। तो इसमें आती है नर्सिंग असिस्टेंट, एज केयर, डिसेबिलिटी केयर, न्यूरोपैथी, डेंटल असिस्टेंट। तो ऑन एन एवरेज इन सब कोर्सेज को करने में लगता है 20 हफ्ता। बट एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी हाईली डिमांडिंग कोर्सेज होते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग शिफ्ट वर्क करना पड़ता है, आपको ह्यूमन बॉडीज़ के साथ काम करना पड़ता है। तो सब लोग के लिए नहीं होता है, बट अगर आप इसमें घुस जाते हैं एक बार तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। तो हेल्थ कोर्सेज नंबर 4। तो इसके बाद बात होती है कि ये कोर्सेज तो हो गए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, बट करें कहाँ से। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, छोटे छोटे कॉलेजेस हैं जो ये सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। जो यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, जिनको थोड़ा फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, उन लोग के लिए फाइनेंशियल एड भी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे TAFE हैं, TAFE, जो CERT 3, CERT 4, ये सारे कोर्सेज रिकॉग्नाइज करते हैं, और अवेलेबल कराते हैं।
और ये जो सारे कोर्सेज हैं वो अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आप इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो ये सारे कोर्सेज रिकॉग्नाइज होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 यूनिट करनी है यूनिवर्सिटी में, तो उसमें से एक यूनिट कम हो जाएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी सेम फील्ड में सर्ट 2, सर्ट 3, सर्ट 4 किया हुआ है, तो यहाँ से कोर्सेज करते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे आइए, डिपेंड करता है आप कहाँ पे रह रहे हैं। पर्थ सीबीडी में, पर्थ सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पर्थ के अराउंड बहुत सारे टेफ हैं, तो वहाँ से ये सब कोर्सेज के लिए एनरोल किया जा सकता है। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, अगर बहुत पसंद आया तो कर दीजिए शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी अगर कुछ टॉपिक पे जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अपना ज्ञान बांटूं, तो लेट मी नो। और मुझे सब चीज़ों के बारे में तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहा हूँ, अराउंड 12 साल हो गए मुझे ऑस्ट्रेलिया में। तो कुछ नहीं तो मैं रिसर्च करके थोड़ा बहुत शेयर कर दूंगा, तो एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ऑफ कोर्स आप मेरे वीडियो से पूरा रिलाय मत करिए अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, बट एक थोड़ा सा एक इनिशिएट कर सकता हूँ थॉट प्रोसेस आप लोग के दिमाग में। उसके बाद आप अपना खुद रिसर्च करिए और फाइंड आउट करिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मुलाकात होती है अगली वीडियो में। बाय।